पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस मूव्ड टू द टोटल टाइम टेकन। ये बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन हुआ। एवरेज स्पीड क्या है? इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर ए वाइड स्पैन ऑफ टाइम। सपोज आप राउरकेला से चल के भुवनेश्वर गए, आप यहां पर सुबह 6 बजे निकले, आप भुवनेश्वर में पहुंचे कब? 6 शाम को 4 बजे पहुंचे। रास्ते में आप क्या किए? रास्ते में आप गए थे तो कभी सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा था, गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा था, दोपहर को गाड़ी बहुत धीरे धीरे जा रहा था आपका। फिर क्या हुआ, कहीं नाश्ता वास्ता करने के लिए रुके, चाय पानी पिए, थोड़ा लॉन्ग जर्नी है तो वहां पर आधा घंटा रुक गए थे। ऐसे करते करते शाम को 4 बजे तक आप भुवनेश्वर पहुंचे हो। यहां से भुवनेश्वर का डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। व्हाट इज योर एवरेज स्पीड? कोई पूछेगा तुम यहां से भुवनेश्वर जाते हो कितना घंटा लगता है, तो आप कैसे कहोगे? अरे मैं तो निकला 6 बजे, पहुंचा शाम को 4 बजे, मतलब इट वॉज ए 10 आवर्स जर्नी। 10 आवर्स जर्नी था और 400 किलोमीटर है डिस्टेंस, 400 किलोमीटर है, तो मेरा एवरेज स्पीड ऑन द वे वॉज 400/10, इट वॉज 40 किलोमीटर पर आवर। जबकि आपकी गाड़ी कभी कभी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गया था, कभी 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गया था, कभी 0 स्पीड में गया था मतलब खड़ा था, कभी रास्ता ट्रैफिक बहुत ज्यादा था तो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गया था। नहीं, गाड़ी का एक्चुअल स्पीड एज शोन बाय इट्स स्पीडोमीटर वाज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम, बट देन द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द टोटल टाइम। ठीक है, सो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एवरेज स्पीड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। एवरेज स्पीड क्या है समझ में आ गया? टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इफ ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी सेकेंड, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एस बाई टी। ऑब्वियसली इसको आप मीटर पर सेकेंड कहोगे और किलोमीटर पर आवर कहोगे। कितना सिंपल है, कितना दूर गया, कितना समय में गया, द रेशियो इज गिविंग यू द एवरेज स्पीड। ठीक है, और यहां पर आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर पर आवर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड, इट इज 1000 मीटर। 1 आवर इज 3600 सेकेंड। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय टोटल टाइम। लेकिन कोई आपको पूछेगा बताओ आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में स्पीड क्या था। जो आप यूजुअली स्पीड कहते हो वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इट इज इफ ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस डेल्टा एस इन ए स्मॉल टाइम
डेल्टा टी, यहां पर क्या था टोटल टाइम, ये पार्टिकल मूव से डिस्टेंस डेल्टा एस इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, देन इन दैट इंटरवल, इन दैट इंटरवल ऑफ डेल्टा टी सेकेंड्स, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू, यू राइट इट वी, विच इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, क्या है ये भी मीटर पर सेकेंड में है और किलोमीटर पर आर में है, यूजुअली इसको मीटर पर सेकेंड में ही एक्सप्रेस करते हैं, अब चाहो तो इसको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट कर सकते हो। थोड़ा ध्यान से देखो क्या अंतर है, इसमें कोई पार्टिकल एस डिस्टेंस गया टी टाइम में, एवरेज स्पीड हो गया एस बाई टी, इसमें डेल्टा एस डिस्टेंस गया डेल्टा टी टाइम में, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, क्या अंतर है बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम राउरकेला टू भुवनेश्वर इन 10 आवर्स, यू आर मूविंग ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, यू से द एवरेज स्पीड इज 400 बाय 10 इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक आप कंटिन्यूअसली 40 किलोमीटर पर आवर में चल रहे थे, कभी ज्यादा था कभी कम था स्पीड। कोई आपको पूछेगा आपका स्पीड एवरेज स्पीड क्या था, यू से 40 किलोमीटर पर आवर, कोई पूछेगा आपका स्पीड कितना था, आपका स्पीड कितना था पूछेगा, तो आप पूछोगे बोलो कितना बजे, 6 बजे हम चलना शुरू किए 4 बजे पहुंचे, नहीं 10 बजे बताओ तुम्हारा स्पीड कितना था, ओ 10 बजे, तो आपको सोचना होगा 10 बजे एक छोटा सा समय हम लेते हैं, फिर इट वॉज 10 o'clock, आई कंसिडर ए स्मॉल इंटरवल 10 to 10 plus delta t, से t से 1 सेकंड, 10 बजे से शुरू करके 10 बजकर 1 सेकंड तक मैं कितना दूर गया था, मैं एक छोटा सा डिस्टेंस गया था, दैट डिस्टेंस इज मूव्ड इन 1 सेकंड, सो माय इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 10 o'clock वाज डेल्टा एस बाय 1। समझ में आ रहा है क्या, अगर हम कहेंगे 10 बजे से शुरू करकर 10 बजकर डेल्टा टी सेकंड तक, डेल्टा टी में भी 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड छोटा सा टाइम, 10 बजे से शुरू करके 10 बजकर डेल्टा टी सेकंड तक मैं डेल्टा एस डिस्टेंस गया था, ठीक है, तो आप कहोगे 10 बजे उसका एवरेज स्पीड क्या था, ना ये डेल्टा टी सेकंड में गया था डेल्टा एस, तो डेल्टा एस पे डेल्टा टी, हो सकता है कि दैट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर 10 बजे। कोई पूछेगा 3 बजे क्या स्पीड था, तो 3 बजे के आसपास एक छोटा सा समय लो डेल्टा टी सेकंड का, देखो कि वो डेल्टा टी सेकंड में तब कितना दूर गया था, तब अगर गाड़ी स्लो जा रहा होगा तो 3 बजे डेल्टा टी सेकंड में कम डिस्टेंस गया होगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज द स्पीड एट 3 o'clock, तो जब आपको स्पीड चाहिए कौन सा स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिस समय में चाहिए उसी समय के आसपास आपको एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेना है, उस टाइम इंटरवल में वो कितना दूर गया था, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज द स्पीड एट दैट इंस्टेंट। समझ में आ गया क्या? यस सर। मैं आपको अभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अब अगर राउरकेला से भुवनेश्वर गए, राउरकेला से भुवनेश्वर गए, और सपोज लेट अस टेक इट सार्केस्टिकली कि देयर यू मेट एन एक्सीडेंट ऑन द वे, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट वाज सीवियर बिकॉज एवरेज स्पीड वाज हाई और इंस्टेंटेनियस स्पीड वाज हाई, ऑब्वियसली आप जब ट्रेन लेके जाओगे यहां से हरिद्वार, दो ट्रेन है ठीक है, एक पहुंचाता है 36 आवर्स में, एक पहुंचाते हैं 28 आवर्स में, कौन सा ट्रेन चुनोगे, जिसका एवरेज स्पीड ज्यादा है कि जिसका इंस्टेंटेनियस स्पीड ज्यादा है, आर यू गेटिंग नाउ, यू विल रियलाइज एवरेज स्पीड जिसका ज्यादा है उसको चुनेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, है कि नहीं, तो ये बात हो गया, तो यू गॉट ए फीलिंग ऑफ व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड।
लेकिन मैं यहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि वो ये है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड में जा रहे फिर वी टॉक अबाउट स्पीड यू ऑटोमेटिकली मीन इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम बार बार इतना लंबा नाम नहीं बोलते हैं ना, जैसे किसका नाम होता है सुप्रीत पात्रो तो उसको क्या बुलाते हैं सुपी सुपी ऐसे बुलाते हैं कि नहीं शॉर्ट नेम में। इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या कहते हैं ओनली स्पीड। सोचो कि कोई चीज मान लो कि भी मीटर पर सेकंड में स्पीड में जा रहा है भी मीटर पर सेकंड स्पीड में जा रहा है और कॉन्टिन्यूसली उसका स्पीड में कोई बदलाव नहीं है टी सेकंड के बाद वो कितना दूर गया होगा ही इज मूविंग भी मीटर इन वन सेकेंड सो इन टी सेकेंड टी इंटू भी। अच्छा इतना डिस्टेंस गया है टी सेकेंड में व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड टी वी बाय टी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम क्या है इट इज सेम एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। दैट मींस आप अगर राउरकेला से निकले भुवनेश्वर की तरफ गए रास्ते में कहीं भी नहीं रुके और कंटिन्यूअसली यू आर मूविंग विद 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड तो क्या ओवरऑल जर्नी में अपना एवरेज स्पीड बता सकते हो? यस सर 30 ओनली क्योंकि हर वक्त ये 30 था तो एवरेज स्पीड भी 30 है ना। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। मान लो जी कि हमारे क्लास में अभी 10 बच्चे हैं किसका एज है 15 किसका है 16 किसका है 14 है ना ऐसे करके सारे बच्चे एवरेज एज क्या है सबका जोड़ दो डिवाइडेड नंबर ऑफ पर्सन्स। लेकिन मान लो कि क्लास में कितने तो बच्चे हैं मालूम नहीं है लेकिन हर एक बच्चे का एज 14 है तो क्या बता सकते हो क्लास का एवरेज एज क्या है? जबकि हमें मालूम नहीं है कितने बच्चे हैं क्योंकि सारे का 14 है जितने भी ले लो। यस 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 सो वही मैं बताना चाहता हूं इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इन ओवरऑल मोशन इट्स एवरेज स्पीड इज आल्सो सेम। तो क्या कहेंगे इफ ए पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड वी देन आफ्टर एनी टाइम कुछ कितने भी समय के बाद आफ्टर एनी टाइम इट्स एवरेज स्पीड इज भी एवरेज स्पीड भी ही है। देखो समझ में आ गया आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड समझ में आ गया। और हम कहेंगे कि अगर एवरेज स्पीड है एस बाई टी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। सारा चीज हम लोग देख लिए। एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड ओवर ए वाइड इंटरवल ऑफ टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड इज कैलकुलेटेड ओवर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है ना। दूसरा है कि एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड में सिमिलरिटी क्या है बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज दोनों स्केलर क्वांटिटी उनका कोई डायरेक्शन नहीं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और दोनों स्पीड है दोनों बोथ ऑफ देम आर ऑलवेज पॉजिटिव दे कैन नॉट बी नेगेटिव स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ये दो चीज को याद रखना है। क्या याद रखना है दोनों के लिए कॉमन है क्या स्पीड एंड एवरेज स्पीड बोथ स्पीड एंड एवरेज स्पीड आर स्केलर नंबर टू ऑलवेज पॉजिटिव दे आर ऑलवेज पॉजिटिव द स्केलर एंड ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज आपको याद रखना है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड हम समझ गए। नाउ वी शैल सी द नेक्स्ट थिंग। एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या है इट इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल
अगेन। मतलब इफ ए पार्टिकल अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट एस, इन ए टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, टाइम इंटरवल टी, देन द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन दैट इंटरवल, इन दैट इंटरवल इज इक्वल टू, वी राइट इट एवरेज वेलोसिटी, वी राइट लाइक दिस, इट्स अ वेक्टर गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यूनिट क्या है वही मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ध्यान रहे वहां पर एवरेज स्पीड वाज द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम, हियर द एवरेज वेलोसिटी इज, एवरेज स्पीड वाज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बट नाउ हियर इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर कहेंगे कि कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, ऐसा ऐसा करके यहां पर आके पहुंच गया, ठीक है, तो ए से बी तक जब वो पार्टिकल पहुंचा उसका ओवरऑल एवरेज स्पीड इज मोर और ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी इज मोर। एवरेज स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड, अब सोचो ए से, यस यस यस, सपोज इसको ए से बी तक जाने के लिए टी सेकंड लगता है, टी सेकंड में डिस्टेंस कितना गया, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्प्लेसमेंट कितना गया, डिस्प्लेसमेंट इज दिस छोटा सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऑब्वियसली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लुकिंग टू बी लेसर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और मान लो यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगा है टी सेकंड, तो आपको होगी एवरेज स्पीड हो गया डिस्टेंस बाय टाइम डी बाय टी, एवरेज वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऑब्वियसली दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस मूव्ड, दैट मींस द एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी हैज ए मैग्नीट्यूड लेस देन एवरेज स्पीड। तो ये फिगर देख के ही आपको समझ में आ गया कि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर है, ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हो गया लेस देन एवरेज स्पीड। दूसरी चीज ये हो गया कि एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर एवरेज वेलोसिटी मालूम है एवरेज स्पीड निकाल देंगे, या फिर एवरेज स्पीड मालूम है एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे, हाँ यू कैन, दे आर नो वे रिलेटेड, बिकॉज वन टॉक्स अबाउट द डिस्टेंस अदर टॉक्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ डिस्टेंस यू कैन नॉट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू कैन नॉट फाइंड द डिस्टेंस, है कि दे आर नो वे रिलेटेड। कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इतना, बताओ कितना डिस्टेंस गया है, हो सकता है वो ऐसे ऐसे करके गया था, या फिर ऐसे ऐसे करके गया था, या फिर ऐसे ऐसे करके गया था, हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट बराबर है। सो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ डिस्टेंस यू कैन नॉट प्रेडिक्ट डिस्प्लेसमेंट, सो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एवरेज वेलोसिटी यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दी एवरेज स्पीड। तो ये पर्टिकुलर केस में हम लोग देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन दी एवरेज स्पीड। ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया। अगर पार्टिकल कोई स्ट्रेट लाइन में जाता होता, सपोज पार्टिकल ऐसे ही जाता स्ट्रेट लाइन में, यू नो फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस मूव्ड आर द सेम, इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम एज द एवरेज स्पीड। ठीक है, वो समझ में आता है। ठीक है, बीट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, बीट नंबर 3 में लिखेंगे फॉर ए पार्टिकल इन यूनिडायरेक्शनल मोशन, मतलब मोशन का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी
इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये चीज भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये जो एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर है तो फिर उसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड तो देख ली, डायरेक्शन। अब देखो एवरेज वेलोसिटी तो एक वेक्टर है, हाउ इट इज गिवन, इज गिवन बाय s बाय t। सपोज हम कहेंगे f कोई एक वेक्टर है, ध्यान से देखना, f को मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूं, आई वांट टू ड्रॉ f बाय 2, देन आई हैव टू गो फॉर ए स्मॉलर वेक्टर, ये होगा f बाय 2। यहां पर s इज ए वेक्टर, t इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, इट मे बी 2 3 10 5 2.5 कुछ भी, एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। t इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना ये -2 होता तो डायरेक्शन बदल जाता, आई एम टॉकिंग अबाउट ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। तो s का जो डायरेक्शन है s by t का तो वही डायरेक्शन होगा, f का जो डायरेक्शन था f by 2 का भी वही डायरेक्शन होता था, मतलब s का जो डायरेक्शन है s by t का वही डायरेक्शन है। s by t मतलब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है, जो s का डायरेक्शन है। ओहो समझ में आ गया, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओहो बड़ी मजेदार चीज है, चलो सोचते हैं। सपोज हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल ऐसा करके ऐसे जा रहा था, जब वो इधर से गुजर रहा था एक पॉइंट पी, उसका एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन में था? आप कहोगे उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, तो एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था। द एवरेज वेलोसिटी वाज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, वो जा रहा है इधर, एवरेज वेलोसिटी इधर। द एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। शुरू यहां से क्या था, जब यहां पर पहुंचा उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे था, तो एवरेज वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा? यस सर। यस, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग अभी समझ गए। नाउ वी शैल सी व्हाट इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को अगर ढंग से समझेंगे, टेक्निकली समझेंगे, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। स्कूल बुक के हिसाब में तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, गाजर है कि मूली है ना। वेलोसिटी स्पीड में आपकी स्कूल लेवल में जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगा उसमें ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन है, स्पीड के साथ नहीं है ऐसे। जबकि हमें एडवांस कोर्स करना है तो हमें अकॉर्डिंगली चीजों को माइनोरली समझना है ताकि हम उसको अप्लाई कर पाए। तो लेट अस प्रोसीड विद द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। व्हेन आई टॉक अबाउट इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, I call it only velocity. When I say average velocity, I have to mention average velocity. But when I say velocity, you understand I am talking about instantaneous velocity. ये चलता है ऐसे। ठीक है, instantaneous velocity. क्या कहें? पहला हुआ, it is defined as the rate of change in displacement of a particle. सर ये क्या है सर, रेट क्या है, चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, चलो समझा देते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल changes by delta s in a small interval, again वो small वाला term आ गया, small interval delta t seconds, then the instantaneous velocity is v, एक वेक्टर है, it is delta s by
डेल्टा टी बड़ा खतरनाक खूंखार चीज है, थोड़ा बढ़िया से समझने की कोशिश करना। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड में जो रिलेशन नहीं था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड में कुछ दूसरा रिलेशन आ जाएगा, वहां पर नहीं था लेकिन यहां पर आ जाएगा। पहले समझते हैं ये चीज क्या है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना जल्दी जल्दी डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, रेट ऑफ चेंज। 25 किलो एप्पल का दाम है 1200 रुपया, नहीं तो 25 किलो एप्पल का दाम अगर 1200 रुपया है, रेट क्या है एप्पल का, रेट क्या है, कोई पूछेगा रेट एप्पल का क्या है, यू डोंट से कि 25 किलो का 1200, यू से पर केजी रेट कितना है 1200 बाय 25, है ना। तो ये बात है, तो ये हो गया आपका एवरेज डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो हम कहेंगे इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ डेल्टा टी सेकेंड्स एंड डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सपोज मैं देखना चाहूंगा रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ डेल्टा टी सेकेंड्स। सपोज कोई पार्टिकल ऐसा रास्ते में जा रहा था, थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें से बहुत इंफॉर्मेशन में निकालने वाला हूं। एक समय में वो पार्टिकल यहां पे था, ये वाज उसका डिस्प्लेसमेंट एस1। डेल्टा टी सेकंड के बाद वो पार्टिकल कुछ यहां पे आ गया, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टू। ध्यान से देखना, यहां का यहां आ गया। अब ये छोटा सा सेक्शन है क्योंकि यहां से यहां तक उसको कितना समय लगा था, डेल्टा टी सेकंड्स। सो एट ए द डिस्प्लेसमेंट वाज एस1, एट बी द डिस्प्लेसमेंट वाज एस2। ओके, नाउ आई मेक यूज ऑफ द ट्रायंगल लॉ टू सी हाउ दीज थ्री वेक्टर्स आर रिलेटेड। यू क्लियरली सी एस1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बिकॉज दिस टू आर इन ऑर्डर इज इक्वल टू एस2 वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ आपको क्या कह रहा है, इट इज सेइंग दैट एस1 प्लस AB इज इक्वल टू एस2। आपको कि सर ये तो कॉस दिख रहा है, अब AB को इस स्ट्रेट लाइन कैसे ले दिए, कोई वेक्टर ऐसे होता है, ऐसा थोड़ी होता है। यू आर वेरी करेक्ट एंड देयर वी टेक द एडवांटेज ऑफ स्मॉल टाइम। डेफिनेशन सेज स्मॉल टाइम इंटरवल, in a small time interval it can move a small distance only and a small section of any curve is always a straight line। koi bhi curve ka ek chota sa section le lo, this is a curve but this small section is always a straight line, so you say AB is looking like this। well then what is s2 minus s1, it is nothing but AB। s2 minus s1 kya hai bhai, a change in displacement। So change in displacement is AB। अगर कोई पार्टिकल A से B तक गया, what is the change in displacement? Final displacement minus initial displacement कितना है? It is same as this AB। तो इसको आपको हो गया change in displacement, है ना? समझ में आ रहा है? ये बड़ा interesting है। Change in displacement is AB। और instantaneous velocity क्या था? Velocity instantaneous। Instantaneous velocity by definition क्या है? It is delta s by delta t, that is AB by delta t। लेकिन AB तो एक vector है ना? AB एक vector है और AB का कुछ direction है, कैसे इस direction में AB का direction ऐसा है, इधर को है। तो delta t is a positive scalar quantity। कोई एक vector को कोई एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, डायरेक्शन रिमेन सेम, AB का डायरेक्शन AB by डेल्टा t का डायरेक्शन बराबर है, मतलब AB का डायरेक्शन ये है, तो AB by डेल्टा t मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन टेंजेंट टू द पाथ। वो जिस रास्ते में जा रहा था उस रास्ते को टेंजेंट ड्रॉ करो, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम निकालना चाहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज
magnitude of AB by delta T. That is same as magnitude of AB by delta T. अब AB क्या है? AB is the displacement vector. Magnitude of AB मतलब this length. See, when it was moving from A to B, it was a consideration for a small time interval. So the path was a straight line. When the path is a straight line, you say the displacement magnitude A to B is same as the distance. So magnitude of AB is nothing but the small distance moved. It is a small distance moved in dt seconds by delta t. ध्यान से देखना, AB तो displacement है, AB तो displacement है. क्योंकि ये स्ट्रेट है तो हम कहेंगे स्ट्रेट मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्मॉल डिस्टेंस मैग्नीट्यूड स्मॉल डिस्टेंस बाय टाइम इज सेम एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. हम देख रहे थे कि जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड नहीं था, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड is instantaneous speed. So after understanding all these, हम velocity को एक simple तरीके से कर सकते हैं, जो आपके school में कर देते हैं. क्या कहते हैं? कहते हैं velocity is nothing but speed associated with direction. So simple. लेकिन कैसे हुआ वो चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है. तो पूरा final conclusion क्या आया? Conclusion ये आया कि thus the velocity, when I say velocity, you know I am talking about instantaneous velocity, is nothing but the speed मतलब instantaneous speed associated with direction. लेकिन स्कूल वाला ये डेफिनेशन से पता नहीं चलता है कि कौन सा डायरेक्शन किधर को, लेकिन हमारा डिस्कशन से पता चल गया डायरेक्शन इज टेंजेंट टू द पाथ. तो क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ. ये आपको समझ में आना चाहिए. जैसे अगर हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल मोशन में है और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पार्टिकल ऐसा एक रास्ते में गया, यहां से शुरू किया, ऐसे करके इधर से आया. जब वो इधर से जा रहा था उसका वेलोसिटी ऐसे था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जब वो इधर से जा रहा था तब उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे था, अलग अलग समय में अलग अलग था. लेकिन जब वो इधर से जा रहा था उसका एवरेज वेलोसिटी वाज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. जब वो इधर से जा रहा था उसका एवरेज वेलोसिटी वाज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो यू सी एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर टोटली टू डिफरेंट वेक्टर्स. दे हैव नो कोरिलेशन बिटवीन देम. उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. इफ दे आर मूविंग अलोंग ए, इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व पाथ. समझ में आया? किसी भी समय में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंडिंग टू द पाथ, बट एवरेज वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट. आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल हियर टू बेटर वे अंडरस्टैंड. सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ. ओके, नाउ इट इज मूविंग लाइक दिस. व्हेन द पार्टिकल इज हियर इट्स वेलोसिटी इज लाइक दिस. व्हेन द पार्टिकल इज हियर इट्स वेलोसिटी इज लाइक दिस. सपोज द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हियर, स्टार्ट्स फ्रॉम ए, नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज लाइक दिस. एट बी वेलोसिटी इज लाइक दिस. बट व्हाट अबाउट द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज लाइक दिस. जब वो यहां पे आया यू से इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ, बट एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट. जब वो यहां पर आया उसका एवरेज वेलोसिटी ऐसा है लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसा है. दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ एंड एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट. होपफुली यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी.
तो पूरा चीज को अगर समराइज करेंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन एंड डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड एसोसिएटेड विद अ डायरेक्शन. व्हाट डायरेक्शन? टेंजेंट टू द पाथ. जिस रास्ते में जा रहा है, जिस रास्ते में जा रहा है उस पॉइंट में उसका उस पॉइंट में टेंजेंट टू द पाथ गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, क्या मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच क्या अंतर को आपको ठीक से समझा पाया? Yes, sir. तो बढ़िया अगर आपको समझ में आ गया है, I'm just asking you, a particle is moving in a circular path, ठीक है? और it takes a total time of t seconds for one complete revolution के लिए अगर t second लेता है, मेरा question ये है कि बताओ after what minimum time the instantaneous velocity of the particle is perpendicular to the average velocity? कितना समय? मतलब आप लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया, वही तो मैं देखो जब वो यहाँ पर आके पहुंचा तब उसका एवरेज वेलोसिटी वाज लाइक दिस बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाज लाइक दिस एंड दे आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर बट व्हेन इट रीचेस हियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी लाइक दिस एवरेज वेलोसिटी विल बी लाइक दिस एंड यू क्लियरली सी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अगर पूरा जाने के लिए टी सेकंड लगता है, यहां से यहां तक आने के लिए लगेगा टी बाई टू सेकेंड. बस समझ में आ गया. तो यही तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है. आपके बुक में एवरेज वेलोसिटी तो है लेकिन उसके डायरेक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं. दूसरा हुआ वेलोसिटी के बारे में भी क्या कहा गया, वेलोसिटी के बारे में आपके बुक में जो लिखा है उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है. और बुक में वेलोसिटी और स्पीड दोनों को इतना मिला जुला के यूज करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वेलोसिटी क्या है स्पीड क्या है. नहीं अच्छा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई अंतर ही नहीं पड़ता. अभी आप बड़े बच्चे हो गए हो, आपको अगर कोई क्वेश्चन में स्पीड पूछा है तो आपको स्पीड बताना पड़ेगा. अगर वेलोसिटी पूछा है यू हैव टू टेल द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. दूसरा हुआ वेलोसिटी एक वेक्टर है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी. और ये भी है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है स्पीड. वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, जैसे हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव. ए कार इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड, स्टेटमेंट इज रॉन्ग. स्पीड कैन नॉट बी -20 मीटर पर सेकेंड. बट इफ आई से ए कार इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ मीन्स आई एम एसोसिएटिंग ए डायरेक्शन विद द स्पीड. मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीड, आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी. What is that? -20 meter per second towards north. मतलब 20 meter per second towards south. So velocity can be negative, but speed cannot be negative. You understand? Okay. हमें average velocity, instantaneous velocity, average speed, instantaneous speed सब कुछ समझ में आ गया. अब इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और varieties of questions को करेंगे. वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वर्क करेंगे हम लोग. ठीक, एवरेज स्पीड देख लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी देख लिए.